Hi everyone, welcome back to my channel. This is Vishita here. और आज के इस वीडियो में I'm going to show you कि मैंने इस पर्टिकुलर हफ्ते में मंडे से लेके फ्राइडे तक अपने काम में जाने टाइम या फिर किसी मीटिंग के लिए या फिर किसी ओकेशन के लिए क्या क्या पहना है. जो सारे ही आउटफिट्स मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ सारे ही बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल आउटफिट्स है. कोई क्लीवेज या फिर कोई भी ज्यादा एक्सेसिव स्किन शो नहीं है. बहुत ही आसानी से आप इस तरीके का कोई एक लुक अपने डे टू डे लाइफ में रिक्रिएट करके ऑफिस या फिर कॉलेज जा सकते हैं. आप सभी के बारे में ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे आउटफिट्स प्लान किए हैं फॉर माय दिस एंटायर वीक. सो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप बता सके मुझे कि ये जो सारे मैं आउटफिट्स आपको दिखाने वाली हूँ उनमें से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है. मुझे जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. और मेक श्योर यू हिट ऑन दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ बाय चांस यू आर न्यू हियर. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज है मंडे और आज मैं जा रही हूँ एक क्लाइंट के साथ मीटिंग पे. So this is what I'm wearing. This is a very very gorgeous color ka top and a very formalish looking bottom. Shayad ye jo bottom hai ye aapne mere pichle video mein bhi dekha hoga. If by chance aapne wo video bhi dekha hai aur isme bhi aap ye pant dekh rahe hain to niche likh ke bataiye ki aapko ye kaisa laga. This is something that I'm currently loving right now. Bahut hi zyada trend mein hai. Looks very good with formal kind of clothes. तो ये ट्राउजर मैंने पहना है और उसके साथ मैंने जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ मैचिंग पेयर ऑफ हाई हील्स एंड एक बैग कैरी किया है. सो दिस इज द बैग. दिस इज द ब्राउन लेदर बैग एंड दिस एक्चुअली लुक्स वेरी गुड. इसमें मेरा जो लैपटॉप है वो परफेक्टली फिट हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग टुडे. और ये जो बैग है दिस इज एक्चुअली वेरी स्पेशियस स्पेशली फॉर मीटिंग्स या फिर अगर कोई कॉलेज जाता है या फिर ऑफिस जाता है यू कैन एक्चुअली कैरी दिस. दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल और इसमें बहुत ही सारा जो सामान है आप जो मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस में या फिर कॉलेज जाते टाइम यूज करेंगे वो शायद ऐसे एक साइज के बैग में आराम से फिट भी हो जाए. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम कैरिंग फॉर माय टुडेज लुक. जैसा कि मैंने आप सबको कल बोला था कि आप सब ये सारा ये जो चीज है वो कॉलेज या फिर ऑफिस पहन के जा सकते हैं. बट कोइंसिडेंटली आज मुझे अचानक से कॉल आया है टू गो एंड मीट माय फ्रेंड बिकॉज ऑफ सम न्यूज वर्क. सो उसके वजह से आई एम वेयरिंग समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस. वरना मैं इसके साथ कोई पैंट या फिर ट्राउजर पहन के जाना प्रेफर करती. मगर दिस इज द टॉप. ये बहुत आसानी से आप कॉलेज या फिर अपने ऑफिस जाते टाइम ब्लेजर के या फिर किसी जैकेट के नीचे भी पहन के जा सकते हैं. ये दिस इज काइंड ऑफ कवर्ड एंड गुड एंड लुक्स काइंड ऑफ डिसेंट इनफ. बट अगर आपके ऑफिस में या फिर कॉलेज में ड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स हैं देन आई डोंट नो दिस गोज वेल विद दैट काइंड ऑफ थिंग. बट जो स्कर्ट है दैट इज काइंड ऑफ शॉर्ट टू बी वेरी ट्रू. बट एक्चुअली आई एम गोइंग आउट टू मीट माई फ्रेंड्स दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस. आप इस टॉप के नीचे कोई ट्राउजर भी प्रेफर कर सकते हैं. और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे जो जूते हैं और जो मेरा बैग है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम कैरिंग टुडे बिकॉज उतना ज्यादा मुझे कोई काम नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग आउट टू मीट माय फ्रेंड और मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा काम था मेरे चैनल रिलेटेड न्यूज के लिए. सो दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग क्योंकि मेरे बैग में सिर्फ एक परफ्यूम लिपस्टिक और मेरा फोन ही होने वाला है. सो दिस इज ए decent size ka bag for that purpose. Now I'll show you what I'm wearing and how it exactly looks. और
और आज का जो आउटफिट है वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल काइंड ऑफ आउटगोइंग कपड़े होने वाले हैं। अलर्ट है बिकॉज मैं थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड थी फॉर द एंटायर डे। उसके बाद शाम को आई हैव फिल्म्ड वन यूट्यूब वीडियो व्हिच यू गाइस गोना सी नेक्स्ट। बट अभी मैं ये एक बहुत ही सिंपल सा एक ब्लैक टॉप है, बहुत ही सिंपल सा है, मैंने ये पहना है। उसके साथ मैंने नीचे ब्लैक कलर के बेल बॉटम के स्ट्रेचिंग मटेरियल के पैंट्स या फिर ट्राउजर्स आप बोल सकते हैं वो पहन रखा है मैंने। एंड आई एम रियली टायर्ड टुडे सो नो हील्स फॉर द डे। और मैं साथ ही कोई भी बैग भी नहीं कैरी करने वाली हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी पिकअप करने। एंड उसके लिए मुझे बस एक शॉपिंग बैग चाहिए और जो मेरा फोन और वॉलेट है वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में होने वाला है। सो आई एम नॉट एक्चुअली कैरिंग एनी बैग बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू कैरी वन बिकॉज बैग्स आर रियली हैवी और मुझे कमर में बैग्स पसंद भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट कैरिंग एनी हैंड बैग। सो दिस इज द एंटायर लुक, हैव अ लुक। आज क्योंकि मैं अपना आउटफिट ऑफ द डे भी शूट कर रही हूँ सो मैंने थोड़ा सा और एफर्ट डाल के एक क्रॉप पहना है। एंड दिस ड्रेस इज वेरी कंफर्टेबल, कॉटन टाइप के मटेरियल का है। दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। इसमें एक बेल्ट होता है जो मैंने नहीं लगाया बिकॉज एल्स आई फील सफोकेटिंग क्योंकि वीडियो कॉल के लिए इतना ही विजुअल होने वाला है। आई एम वेयरिंग अ वॉच एंड माई इयररिंग्स टू लुक परफेक्ट ऑन द टॉप, बट नीचे से ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू शो यू गाइज, मैंने जो मेरे हाई हील्स है और जो मेरा बैग है वो लिया हुआ है। एक्चुअली बैग में कुछ नहीं है, मैं कहीं जाने भी नहीं वाली हूँ। जस्ट टू गिव यू गाइज सम आउटफिट इंस्पिरेशन, मैंने ये बैग लिया हुआ है। बट एज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर सो बैग खाली है, मगर वीडियो कॉल के लिए या फिर अगर आप एक्चुअली में किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं इन दैट केस, या फिर अगर आपके कॉलेज में ड्रेसेस पहनना परमिटेड है, दिस इज अ वेरी गुड ड्रेस क्योंकि नी लेंथ तक एवरीथिंग इज कवर्ड, ऊपर भी एवरीथिंग इज कवर्ड, द शोल्डर्स आर आल्सो कवर्ड। दिस इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ मटेरियल एज वेल। सो हियर इट इज। लास्ट डे होने वाला है ऑफ फिल्मिंग माय एंटायर वीक और मैंने पूरे हफ्ते में क्या क्या पहना है। फॉर टुडेज लुक आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी न्यूड कलर का टॉप, दिस इज फ्रॉम नूश एंड आई एम वेयरिंग द सेम फॉर्मल ट्राउजर्स विद दिस। एंड जो भी लुक है आज का, मैंने बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज्यादा ब्लिंग अवॉइड करने का कोशिश किया है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम वेयरिंग फॉर अनदर मीटिंग। मेरा जो पूरा हफ्ता होता है दैट इज फुल्ली पैक्ड विद मीटिंग्स, वेरियस मीटिंग्स फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट साइड्स एंड बहुत ही सब कुछ जो मैं पैरेलली यूट्यूब के साथ करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट इन एनी ऑफ माई मे बी नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ अपडेट वीडियोज, बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। और जैसा कि कोविड के वजह से कोई भी पार्टी या फिर आउटिंग नहीं हो पा रहा है, सिर्फ काम ही काम है थ्रू आउट, सो कोई भी इस हफ्ते तो पार्टी आउटफिट या फिर आउटिंग के लिए जो आउटफिट्स होते हैं वो तो मैं पहन ही नहीं पाई, बट दिस इज समथिंग वेरी फॉर्मलिश जो आप एक्चुअली ऑफिस पहन के जा पाएंगे। सो हैव अ लुक हाउ दिस लुक। Oh,
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको सारी न्यू जो आउटफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो, बिकॉज आप सभी के बारे में ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी जो आउटफिट्स है फॉर माई एंटायर वीक उनको पिक किया, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट मोर कवर्ड कम्पेयर टू मैं जो पर्सनली प्रिफर करती हूँ. मगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यू फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट कि बाहर में वैसा कुछ पहनू, सो शो अस समथिंग जो हम एक्चुअल में पहन के ऑफिस या फिर कॉलेज जा सके. सो आई थॉट कीपिंग एवरीथिंग स्टाइलिश आई कैन स्टिल शो यू गाइज व्हाट यू कैन प्रैक्टिकली वेयर टू योर कॉलेज और ऑफिस. सो दिस वर माय रिकमेंडेशन और ये मैंने प्रैक्टिकली कैरी किया है फॉर दिस एंटायर वीक. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. नीचे लिख के बताइए कि आपको कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आगे और क्या देखना पसंद करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय चांस इफ यू लाइक व्हाट यू आर सीइंग सो फार देन इन दैट केस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.